हेलो फ्रेंड्स, आपका रीना किचन रेसिपी में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्रिस्पी चना चिली की रेसिपी लेके आई हूँ, जो आप लोगों ने रेस्टोरेंट में तो बहुत बार स्टार्टर में खाए होंगे, लेकिन एक बार इसे आप घर पे बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने काबुली चना लिया है। इस रेसिपी में काबुली चना का उपयोग किया जाता है। बड़े वाले जो चने आते हैं ना, जिसके हम छोले बनाते हैं, वही चना है ये। इसको मैंने 6 से 7 घंटे पानी में भिंगो दिया था। देखिए फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। तो अब इसे हम 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद देखिए, मैंने एक कुकर ले लिया है और कुकर में हम सारे चने को अब हम डाल देते हैं। चने डालने के बाद अब हम 1 गिलास पानी कुकर में डालेंगे और ढक्कन लगा के हम 4 से 5 सीटी इसमें आने देंगे कि चने एकदम गल जाए। जब तक तब तक इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, कि नमक डालने से होगा ये कि चना अच्छी तरह से गल जाएगी। अब हम ढक्कन लगा देते हैं कुकर का और 4 से 5 सीटी लगने तक हम इंतज़ार करते हैं। सीटी हमारी लग चुकी है, अब हम कुकर को ठंडा होने देंगे। देखिए कुकर ठंडा होने के बाद हम आपको चना दिखाते हैं कि किस तरह हमारा चना पका होना चाहिए। ये देखिए, चना दबाने से एकदम अच्छी तरह से दब जा रही है, तो हमें ऐसे ही चना चाहिए। अब हम इसे छान लेते हैं। देखिए मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें एक छन्नी रख के अब हम चने को छान लेंगे। छानने से होगा ये कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा ना चने का, वो नीचे आ जाएगा। हमें चना में बिल्कुल पानी चाहिए नहीं चाहिए, एकदम सूखा चना होना चाहिए। इसलिए थोड़ी देर हम छोड़ देंगे कि पानी अच्छी तरह से निकल जाए। थोड़ी देर छोड़ने के बाद देखिए, चना से पानी एकदम अच्छी तरह से निकल गई है। तो अब हम बाउल से पानी फेंक देंगे और उसी में चना को डाल देंगे। अब हम देखिए 5 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ले लिए हैं और हम थोड़ी थोड़ी कॉर्नफ्लोर डाल के हम इस पर कोटिंग करेंगे। एक चना में जो है कॉर्नफ्लोर की कोटिंग एकदम अच्छी तरह से होनी चाहिए कि एक एक चना पे इसकी परत चढ़ जाए। इसमें हम मैदा नहीं डाल रहे हैं, सिर्फ कॉर्नफ्लोर से इसे हम बना रहे हैं। इस तरह से हम हिला हिला के हम सारे चने में कोटिंग कर लेंगे। हाथ से ज़्यादा नहीं छुएंगे, क्योंकि चना पकी हुई है तो चना टूट भी सकती है। फिर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे 2 चम्मच। फिर हम इसी तरह पलटी करते हुए सारे चने पर कोटिंग करेंगे। कोटिंग जो है हमारी बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए, जिससे क्रिस्पीपन बना रहे। फिर हम देखिए डाल रहे हैं। अब हाथ से हम एक बार अंदर तक हिला दे रहे हैं, लेकिन एकदम आहिस्ता आहिस्ता हिलाइएगा कि चना टूटे ना, क्योंकि चना काफ़ी गला हुआ है। देखिए एक एक दाना पे कोटिंग अच्छी तरह से चढ़ गई है, मोती जैसे दिख रही है हमारी। अब थोड़ा सा पानी हम ऊपर से डाल देते हैं। और फिर हम बाउल को हिला के हम अच्छी तरह से चना को उल्टी पलटी कर देंगे कि चना पे कोटिंग अच्छी तरह से हो जाए। फिर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेके हम अच्छी तरह से हिलाएंगे डाल के, और नीचे जो बैठ गई है ना कॉर्नफ्लोर, उसे भी हम हाथ से धीरे धीरे जोड़ नहीं लगाते हुए, कि चना टूटना नहीं चाहिए। जितनी अच्छी कोटिंग होगी हमारी चने में, उतनी ही क्रिस्पी बनेगा एक चना चिली। अब हम एक कढ़ाई चढ़ाते हैं। कढ़ाई में अब हम तेल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल आप पसंद जो करते हैं वो डालिए। इसे हमें तलना है, तो थोड़ी सी ज़्यादा मैंने तेल डाली है। तेल गर्म होने के बाद हम चने को डालेंगे। चम्मच से उठा के हम देखिए इस तरह डालेंगे और क्रिस्पी हम तलेंगे।
एकदम खन खन की आवाज़ आने लगे थाली में डालने पर, वैसा हमें तलना है। ये देखिए, देखिए एकदम अच्छी तरह से चना हमारी जो है अब तल चुकी है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब जब प्लेट में डालेंगे ना, जब अच्छी तरह से तली होगी तो आवाज़ आएगी आपको। फ्रेंड्स, अगर मेरी रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे मैं कोई भी वीडियो अगर डालूँगी ना, उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब उसी तरह हम दूसरा बैच भी तल लेते हैं। और हिला देंगे एक बार चम्मच से और अच्छी तरह से एकदम कुरकुरा तल के निकालेंगे। जलाना भी नहीं है, कुरकुरा तलना है सिर्फ। देखिए अब ये भी बैच हमारी हो गई है, अच्छी तरह से तल गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं छान के। तेल अच्छी तरह से छान लीजिएगा, सिर्फ चने को हमें निकालना है। देखिए मैंने सारे चने को अब निकाल लिया है। जो बाकी बचे हुए चने हैं उसे भी अब हम तल के निकाल लेंगे। चने हमारे तल चुके हैं, अब इसे भी हम निकाल लेते हैं। लेकिन चने को एकदम क्रिस्पी तलिएगा, जब थाली में या कोई बर्तन में रखें तो खन खन की आवाज़ आनी चाहिए। बचे हुए जो तेल है ना, इसे अब हम निकाल लेंगे, क्योंकि इतनी तेल की हमें आवश्यकता नहीं है। थोड़ी सी तेल इसमें हम छोड़ेंगे। देखिए सारे तेल को मैंने निकाल लिया है, थोड़ी सी तेल है अब कढ़ाई में। इसमें हम लहसुन और अदरक को हम डालते हैं, फाइन कटा हुआ, या आप खल में कूट लीजिए। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 चावा जो लहसुन होती है ना, उसे मैंने पूरा ही छील लिया था, क्योंकि इसमें लहसुन थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। छः सात हरी मिर्च फाइन कटी हुई, अभी देखिए अदरक मिर्च और लहसुन भून चुकी है। तो इसमें अब हम एक प्याज को, देखिए मीडियम साइज प्याज को मैंने फाइन चॉप किया था, अब उसे हम डाल देते हैं और इसे भी हमें हल्का भूनना है। एक शिमला मिर्च को फाइन काट लिया है मैंने।
लगातार चलाते हुए हम इसे भून लेंगे, बहुत ज़्यादा इसे ब्राउन नहीं करेंगे। अब इसमें देखिए चिली सॉस हम एक चम्मच डाल रहे हैं भुनने के बाद, टमाटो सॉस दो बड़े चम्मच, सोया सॉस एक चम्मच छोटे चम्मच से, और सभी को हम अच्छी डाल के अच्छी तरह से पका लेते हैं सभी सॉस को। काली मिर्च का पाउडर एक छोटी चम्मच, नमक, नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि सॉस में भी नमक होती है और हम चना उबालते समय भी नमक डाले थे, तो अंदाज से हम नमक डालेंगे, नहीं तो नमक इसमें ज़्यादा हो जाएगी। अच्छी तरह से देखिए भून लेने के बाद थोड़े से इसमें अब हम चीनी डाल देते हैं, जिससे जो टेस्ट जो है बैलेंस हो जाएगा। ऐसे बिल्कुल मीठा नहीं होगा, स्वाद अच्छा आएगा। एक चम्मच देखिए छोटे चम्मच से मैंने चीनी डाली है। अब देखिए मसाले भुनने के बाद इसमें अब हम थोड़ी सी पानी डालेंगे, सॉस को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। अब थोड़ी सी लाल मिर्च जो है, हम काश्मीरी रेड मिर्च जो होती है वो डाल रहे हैं, जिससे कलर अच्छा आएगा। और क्योंकि मैंने तीखा के लिए हरा मिर्चा जो है पहले ही काट के डाला है, अब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। करीब हाफ कप पानी। अब देखिए एक चम्मच कॉर्नफ्लोर को मैंने लिया है कटोरी में, इसे अब हम घोल लेते हैं दो चम्मच पानी डाल के। इस तरह से देखिए, और थोड़ी थोड़ी दो दो चम्मच करके डालते हुए हम चलाते रहेंगे, एक साथ हम नहीं डालेंगे कॉर्नफ्लोर को, जब तक सॉस जो है गाढ़ा ना हो जाए। फिर दो चम्मच डालेंगे, जितने बचे हुए कॉर्नफ्लोर है उसे हम डाल देते हैं। देखिए सॉस हमारी अच्छी तरह से बन गई है। अब हम जो चना का मैंने तल के रखा है उसे हम डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम सॉस में। आप जब इसे खाएंगे ना तो चना ऊपर से कुरकुरा और अंदर से जूसी लगेगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में।
हमारा चिली बन के तैयार है। अब इसे हम प्लेट में निकाल ले के दिखाते हैं आपको। ये देखिए, मैंने ऊपर से हरी मिर्च और थोड़ी सी शिमला मिर्च मैंने काट के रखी थी, उसे मैंने इसे सजा दिया है। अगर आपके पास ग्रीन ऑनियन हो तो आप उसे